बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं तनवीर सदीक एक बार फिर आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब देखने वाले खैरियत से होंगे। आज मैं जो है फुल चिकन रोस्ट की विद पोटैटो की रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और इसको बनाने का तरीका और इसके लिए किन किन चीजों की जरूरत है और कितनी देर के लिए मैरिनेट करना है इसको अभी मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास ये बेबी पोटैटो हैं, ये तकरीबन 1 किलो हैं हमारे पास और ये 2 मीडियम साइज के चिकन है हमारे पास और ये हमारे पास जो है ना ये येलो कलर है, ये तकरीबन थोड़ा 1/2 टीस्पून है हमारे पास। ये 3 टेबलस्पून हमारे पास ऑयल है और 4 टेबलस्पून जो है ना तकरीबन 1/2 कप से थोड़ा सा कम ये योगर्ट है और 3 टेबलस्पून हमारे पास ये विनीगर है और 1 टीस्पून हमारे पास ये नमक है। ये जो ड्राई धनिया है ये हमारे पास 1.5 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून हमारे पास जीरा ग्राइंड किया हुआ है और 1 टेबलस्पून हमारे पास ये कसूरी मेथी है और 1 टेबलस्पून जो है ना चिली पाउडर है और 1 टेबलस्पून जो है ना तंदूरी मसाला, इसी तरह 1 टेबलस्पून हमारे पास तिक्का पेस्ट और 1 टेबलस्पून तंदूरी पेस्ट। सबसे पहले जिस ये पोटैटो है इनको इस तरह अच्छी तरीके से चॉप कर लेना है सबको दोनों साइड से। ये जो चिकन है इनको भी इसी तरह ही हमने जो है ना इसी तरह लगाने हैं इसको ताकि मसाला अच्छी तरह से इसके अंदर चला जाए। दोनों तरफ से हमने इनको जो है ना कट लगाना है इसी तरह। ये भी ये मसाला में मिक्स कर लेता हूं। ये जितने इंग्रेडिएंट है हमारे पास अभी मिक्स हो जाएंगे तो फिर इसमें चिकन और पोटैटो जो है ना उनको मिक्स करेंगे। ये जो फूड कलर है ना इसको मिक्स करूंगा फिर मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स सही प्रॉपर तरीके से कर लें पहले। अल्हम्दुलिल्लाह ये मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, फिर हम इसमें जो है ना चिकन को मसाला लगाएंगे। ये इसको जो है ना हाथ से लगाना पड़ेगा। और इसको वैसे तो आप 2 घंटे तक मैरिनेट रखें तो फिर आप बना लें इसको, लेकिन मैं इनको इसको जो तकरीबन 5 घंटे के लिए रखूंगा। इसी तरह दूसरे चिकन को भी लगा लेंगे। इसी तरह ये जो आलू हमारे पास रखे हैं मैंने ये भी इनको भी इसी के साथ ही मैरिनेट कर दूंगा।
जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया और इसको तकरीबन 5 घंटे के लिए हम रखेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ओवन में कुक करेंगे। और ये बड़ी जबरदस्त किस्म की रेसिपी है, आप इसको फॉलो करें और इसको बनाएं और इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह 5 घंटे के बाद आपसे फिर अभी मैरिनेशन हो गया इसकी। अभी हम इसको जो है ना इस ट्रे में लगा के और ओवन में लगाएंगे, जिसको तकरीबन 45 मिनट हमको वहाँ पे चाहिए। ये जो मसाला बच गया ये इसके ऊपर इस तरह ही डाल देंगे। एल्युमिनियम फॉइल लगा दूंगा ताकि ये ओवन की हीट से बर्न ना हो और इसकी वजह से अच्छी तरह से ये स्टीम भी हो जाते हैं। इसको तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटा तकरीबन लग जाता है ओवन में, जो 180 डिग्री पे रखेंगे आप तो उसके लिए। रेडी टू, अभी ओवन में हमने लगा दिए चिकन को। मैंने हीट वो फैन से हम लगा रहे हैं और इसका टेम्परेचर जो है ना 180 डिग्री पे हमने रखा हुआ है और इंशाल्लाह ये तकरीबन 1 आवर तक रेडी हो जाएगा। ये अभी माशाल्लाह चिकन को जो ओवन में लगाए हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया और अब हम इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का कुक हो गया और पोटैटो भी बिल्कुल रेडी हैं। अभी हम चेक करते हैं, सर बिल्कुल 100% रेडी है चिकन। और ये देखें आप जो आलू हैं वो भी रेडी हैं बिल्कुल। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है और आप भी ज़रूर बनाएं इसको, मेरी रेसिपी को फॉलो करें और डेफिनेटली ये आपको पसंद आएगा, बड़ी अच्छी रेसिपी है। और मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें प्लीज़। और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए ओके, खुदा हाफिज़।